वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉपिक वाइज पीजीटी के क्वेश्चन आंसर। तो ये आपका है टॉपिक 7 नंबर, जिसका नाम है भौगोलिक पर्यावरण एवं समाज। तो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे विजिट कर सकते हैं, चैनल पे वीडियोस हैं और कंटेंट की वीडियोस भी पड़ी हैं। यदि आप कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है? प्रजनन की क्षमता, सामूहिक व्यवहार, आत्म परीक्षण, संस्कृति। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर राइट है वो ए है, संस्कृति। संस्कृति जो है मानव समाज का विशिष्ट लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन बताइए। तो कथन बताना है आपको, एक ग्रामीण समाज में वर्गीय गतिशीलता अधिक होती है, या एक वर्ग से दूसरे में निरंतर बदलाव होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर बदलते रहते हैं, या फिर एक सामाजिक समूह अथवा वर्ग से दूसरे में बदलाव निरंतर नहीं है, मतलब बदलाव निरंतर नहीं होता है। तो बताइए क्या जो कथन है इसके अकॉर्डिंग होगा। तो आंसर जो राइट है आपका, आंसर है आपका डी, सामाजिक समूह वर्ग से दूसरे में बदलाव निरंतर नहीं होता। ठीक है, आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, समाज एक अमूर्त शब्द है। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह परिभाषा दी है? कूले जी ने दी है, पार्सन्स ने दी है, रिम्यूटर ने दी है, या गिडिंग्स जी ने दी है? तो ये जो डेफिनेशन दी है वो दी है, बताइए किसने दी है। तो आंसर जो राइट है आपका है रिम्यूटर, रिम्यूटर जी ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिंग ऑफ इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? डेरेन रॉल्फ हैं, डेनियल बेल हैं, रेमंड ऑरो हैं, या एंटी जियोनियो हैं? तो बताइए कौन है। तो इसका जो आंसर राइट है वो आपका है फोर्थ का बी, रेमंड ऑरो। इन्होंने द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? रेमंड ऑरो, एस सी दुबे, टी एन मदान, एम सी एम पी नरेंद्र। तो किस कौन है ये? तो इसका जो आंसर राइट है वो है आपका ए, रेमंड ऑरो, इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। डेफिनेशन दी हुई, जहाँ जीवन है वहाँ समाज है, या निम्नलिखित में से कथन किसका है? जे पी ग्लीन एम जे एल ग्लीन का, या ए डब्ल्यू ग्लीन का, या जिन्सबर्ग का, या आर एम मैकाइवर और सी एच पेज का, सी एच पेज। तो बताइए आंसर क्या होगा। आंसर जो इसका राइट है आपका, उसका है डी आंसर, आर एम मैकाइवर और सी एच पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है? डेफिनेशन दी हुई है, ये किसने कहा कि समाज का वर्गीकरण यदि करना है तो आयतन और घनत्व के अनुसार कर सकते हैं? ये किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है, मार्क्स ने कहा है, टॉनीज ने कहा है, दुर्खिम ने कहा है? तो ये जो कहा है वो कहा है आपके दुर्खिम जी ने, आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या किसने कहा कि समाज का अस्तित्व केवल एक समय क्रम के रूप में होता है? पार्सन्स ने कहा, आर के मर्टन ने कहा, जॉनसन ने कहा, मैकाइवर पेज ने कहा? तो इसका जो आंसर राइट है, समाज का अस्तित्व केवल एक समय क्रम के अनुसार रूप में होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके मैकाइवर पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ये समाज दिए हुए हैं जो कार्ल मार्क्स ने बताए थे, मध्यवर्गीय, आदिम साम्यवाद, समानती समाज और प्राचीन समाज। अब ये इसमें मार्क्स के अनुसार इस समाजों का सही कालानुक्रम में आपको सेट करना है, आपको पूट दिए हुए हैं
बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर आपका राइट है वो है आपका बी। चलिए देखते हैं, बी के अकॉर्डिंग जो हमारा है, पहले आदिम समाज है, फिर प्राचीन समाज है, फिर समांतवादी है, फिर मध्यवर्गीय समाज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का अस्तित्व केवल एक समय क्रम के रूप में होता है या कथन किसका है? टी पार्सन्स का, आर के मर्टन का, जॉनसन का, मेकाइवरम पेज का। तो ये जो आंसर राइट है उसका तो आपका है डी, मेकाइवर पेज ने। मेकाइवर पेज ने समाज का अस्तित्व केवल समय क्रम के रूप में होता है ऐसा कहा है। निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकारात्मक माना है? विचलन को समाज के लिए प्रकारात्मक माना है, मतलब ये कार्य करता है, विचलन जो है समाज को व्यवस्थित बनाए रखने में कार्य करता है। कोहन का है, दुर्खिम का है, मर्टन का, व्हाइट का है। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो राइट है आपका वो है आपका सी, मर्टन। मर्टन ने प्रकार अप्रकार अप्रकट प्रकार के बारे में बात की है, तो इन्होंने विचलन के बारे में भी बात की है। उसमें इन्होंने अच्छे प्रकार और दुष्ट प्रकार, प्रचंड प्रकार के बारे में बात की है। नेक्स्ट है, समाज में कानून से क्या अभिप्राय है? अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक प्रतिमानों में बदलना, अस्पष्ट दायित्वों एवं विशेषाधिकारों को अधिकारों एवं कर्तव्यों के स्तर पर उठाना, या औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र विशेष प्रकार के कार्यों से दूर रखने के लिए लोगों पर अधिरोपित भय। पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर है पहला। इसका जो आंसर कूट के अकॉर्डिंग जो आंसर है राइट इसका वो है, वो है आपका बी। तो बी, बी के अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और चौथा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा राइट है वो है अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक प्रतिमानों में बदलना, और औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र विशेष प्रकार के कार्यों से दूर रखने के लिए लोगों पर आरोपित भय। तो ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखी व्याख्या किसने की है? तो रेखी व्याख्या किसने की है? ऑप्शन दी है परेटो, वेबर, स्पेंसर, सोरोकिन। रेखीय, रेखीय बारे में किसने बताया है? तो आंसर हमारा है स्पेंसर जी। स्पेंसर ने मानव समाज के विकास के लिए रेखीय रूप से व्याख्या दी है, उद्विकासी सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए हैं कथन और कारण, तो इन्हें हम देखेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि क्लियर आपको क्लियर दिखे। इसमें नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। समाज की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, क्योंकि समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत पर्याप्त अन्वेषण प्रदान नहीं करते, इसलिए अनेक सिद्धांत हैं। तो क्या आंसर राइट होगा इसका? इसका जो आंसर राइट है आपका 14 का वो है आपका ए, आर ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। मतलब दोनों जो कथन आपके दिए हुए हैं, समाज की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, क्योंकि समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत पर्याप्त अन्वेषण प्रदान नहीं करते, इसलिए अनेक सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समाज की प्रकारात्मक पूर्वपेक्षाएं नहीं हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके सदस्यों के लिए शारीरिक क्रियान्वयन का प्रावधान, सदस्यों का प्रतिस्थापन, विघटनकारी शक्तियों का प्रावधान, वितरण की एक व्यवस्था। तो आंसर क्या राइट होगा? इसका जो आंसर राइट है आपका वो है सी, विघटनकारी शक्तियों का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोकरीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं? नियतिवाद, विभेदीकरण, विचलन या दुष्प्रकार, क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर राइट है सी है, विचलन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाज की सामाजिक संरचना
की कौन सी विशेषता है सामाजिक अंतः संबंधी भूमिकाओं की संरचना है, सामाजिक व्यापक सामाजिक व्यवस्था रखने वाले विशेष प्रकार का समूह है, एक समाज लंबे समय के लिए जीवित रहने की एक अभिमुख रहता है, एक समाज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है। तो क्या आंसर राइट होगा इसका, कूट दिए हुए हैं आपको, कूट के अकॉर्डिंग बताना है क्या आंसर राइट होगा। तो इसका जो आंसर राइट है वो है आपका ए, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा वाला नहीं है। ठीक है, एक समाज लंबे समय के लिए जीवित रहने की एक अभिमुख रहता है, एक और अभिमुख रहता है। और है इसमें सामाजिक व्यापक सामाजिक व्यवस्था रखने वाले विशेष प्रकार का समूह होता है, समाज अंतः संबंधी भूमिकाओं की संरचना है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, समाज में पृथक नृजातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं, समाकलन, सदृष्टिकरण, विलमन, सांस्कृतिक बहुलवाद, क्या कहते हैं? आंसर जो हमारा राइट है इसका वो है आपका डी, सांस्कृतिक बहुलतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्यवस्था है। तो ये जो डेफिनेशन दी हुई है किसने दी है, ये पार्सन्स ने, गिडिंग्स ने, राइट ने, समनर ने, तो ये दिया है आपका सी, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो क्रियाओं को करने से उत्पन्न हुए हैं और वे कार्यसाधन व साध्यों के संबंधों में जो रूप में परिभाषित किए गए हैं, चाहे वे यथार्थ हों या चित्रित हों। या जो परिभाषा है ये किसने दी है, सामाजिक उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो क्रियाओं को करने से उत्पन्न होती हैं और वे कार्य साधन और साध्यों के संबंधों के रूप में परिभाषित की जाती हैं। तो इसका आंसर जो राइट है वो बताइए, इसका आंसर जो राइट है आपका 20 का वो है आपका सी, पार्सन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, परिस्थितियों का जाल है, ये डेफिनेशन किसकी है, परिस्थिति के बारे में किसने बात की, कार्ल मार्क्स ने, बटोमोर ने, वीरस्टीज ने, मैकाइव पेज ने। तो इसका जो आंसर राइट है आपका वो है सी, वीरस्टीड, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये वीरस्टीड कहते हैं। नेक्स्ट है, समाज रीतियों, कार्य विधियों, अधिकारों और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की व्याख्या है या कथन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का है, वीरस्टीड का, मैकाइवर का, मर्टन का, ऑगस्ट कॉम्ट का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो राइट है वो आपका है बी, मैकाइवर पेज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर है, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, समाज का 3 स्तरों पर वर्गीकरण संरक्षण सहायक मजदूर में किसने किया है, कॉम्टे, अरस्तु, दुबे, इवांस प्रिचार्ड। तो ये किया है आपके, आंसर हमारा है बी, अरस्तु जी ने। ठीक है, अरस्तु ने संरक्षक सहायक और मजदूर के रूप में प्रस्तुत किया है समाज के स्तर को। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष भी है, होता है, और कैसा होता है, स्पष्ट भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, परिवर्तनशील भी होता है, इसमें से कुछ नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव भी घट जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, इसमें से कुछ नहीं होता, तो बताइए आंसर क्या राइट होगा। तो इसका जो आंसर राइट है वो ये है ए, पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव भी, जब सभ्यता की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव भी घट जाता है, कि बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथा को स्वीकृति प्रदान की जाती है या प्रथा को स्वीकृति प्राप्त होती है किससे, कानून से, समूह से, राज्य से, समुदाय से, प्रथा को प्राप्त होती है बी, समूह से। नेक्स्ट है, भौगोलिक पर्यावरण के तत्व हैं, सूर्य है,
वर्षा है, शीतल जलवायु है या उपयुक्त सभी हैं? तो आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, ये सभी हैं। वर्षा भी होती है, सूर्य होता है, ये सभी पर्यावरण जो भौगोलिक पर्यावरण के तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन विद्वान पर्यावरण के अपेक्षा वंशानुक्रम के प्रभाव को अधिक महत्व देता है? कौन देता है? मेडल हैं, दुर्खीम हैं, बेबर हैं, वाटसन हैं। तो आंसर क्या राइट होगा इसका? तो इसका जो आंसर राइट है आपका 28 का, वो है ए, मेडल। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट MCQs PGT के, सोशियोलॉजी के। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेके आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक टेलीग्राम का मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से डायरेक्ट आप विजिट कर लीजिएगा, ठीक है? और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉच।